तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के मोबाइल का एक बहुत ही शानदार एक हिडन फीचर बताने वाला हूँ, जो कि बहुत काम का फीचर है। दोस्तों होता क्या है, हमारे पास बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, हम बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड कर जाते हैं जिनके बहुत सारी नोटिफिकेशन आती है, बट उसमें होता क्या है, उसमें जो हमारी मेन नोटिफिकेशन या बोल सकते हैं हमारी जो काम की नोटिफिकेशन है वो हम इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उसको देख ही नहीं पाते। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ एक नोटिफिकेशन रिलेटेड एक बहुत ही शानदार फीचर, जिसको आप इनेबल करेंगे तो उसके बाद होगा क्या, जो भी आपकी काम की ऐप होगी जिन पे आपने उन लिस्ट पे शेयर कर दिया है, बोल सकते हैं जिन ऐप को आपने वहां पर टिक करके रखा होगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके हिसाब से जितना भी आप टाइम लगाएंगे उसके बाद आपको डबल डबल रिमाइंडर देता रहेगा, जिससे कि आप देख सकें कि आपकी वाली जो ऐप है या बोल सकते हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिस ना हो। तो ये फीचर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे यूज करना है, आगे वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टैग में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफिकेशन रिलेटेड बहुत ही काम का फीचर। दोस्तों होता क्या है, हमारे पास बहुत सारी यहाँ नोटिफिकेशन आती है जिसके चक्कर में हम जो हमारी मेन नोटिफिकेशन है उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर हम उस नोटिफिकेशन को भूल जाते हैं। बट आपको जो सेटिंग बताने वाला हूँ उसको इनेबल करने के बाद होगा क्या, जो भी आपकी काम की नोटिफिकेशन है उसकी रिमाइंडर आपको आते रहेंगे जितना भी आपने वहां पर टाइम शेड्यूल डाल के रखा होगा, जिससे आपकी ओरिजिनल जो बोल सकते हैं जिससे आपकी जो नोटिफिकेशन है वो मिस नहीं होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है मोबाइल की सेटिंग पे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे, आपको ही जाना है नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको जाना है यहाँ एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लास्ट थर्ड नंबर पे, नोटिफिकेशन रिमाइंडर करके आपको दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से उसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपको वो नीचे ऐप सेलेक्ट करनी है जिन ऐप्स का आपको नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी ऐप की नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करना चाहते। लाइक अगर व्हाट्सएप की आप जॉब करते हैं या फिर ऑफिस में, तो आपको लगता है कि यार ऑफिस कोई ग्रुप से मैसेज आया वो मिस ना हो जाए, तो आप व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन या नॉर्मल कॉल या बोल सकते हैं कोई मिस कॉल भी, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है मैसेज की, कि मेरे मैसेज की नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। और मैंने यहाँ पर फोन डायलर की भी, कोई भी अगर मेरे पास कॉल पिक नहीं कर पाऊँ तो वो मेरे पास मिस नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप को भी सेट करके रखा है। अब होगा क्या, और यहाँ पर मैंने डाल दिया रिमाइंडर एवरी 15 मिनट्स, मतलब कि अगर किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज भेजा और मतलब मैंने उसको चेक नहीं करा, तो हर 15 मिनट बाद वो मुझे रिमाइंडर देगा, एक वाइब्रेटर होगा आपको बता देगा कि भैया आपके पास कोई ना कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है, जो भी आपने वहाँ पर ऐप सेलेक्ट करके रखी उससे रिलेटेड कोई भी आपकी नोटिफिकेशन पेंडिंग है, तो प्लीज़ जाके चेक करें। ऐसा नहीं बोलेगा पर ऐसा मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ जाके चेक करें, वो बोलेगा आप चेक कर लीजिए कोई नोटिफिकेशन आपकी पेंडिंग ना हो। अगर फिर आप नहीं चेक करोगे तो फिर 15 मिनट बाद आपको बोलेगा, मतलब कि जब तक आप उसको रीड नहीं करेंगे जब तक हर 15 मिनट बाद वो आपको पिंच करता रहेगा कि भैया आपकी कोई ना कोई नोटिफिकेशन पेंडिंग है, उसको कर लीजिए रीड। अगर आप चाहते हैं उसको थोड़ा और बढ़ाना, मैक्सिमम 15 मिनट से आप मिनिमम 3 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स एंड 15 मिनट्स वहां पर सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल फीचर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है गेट पीरियोडिक रिमाइंडर अबाउट नोटिफिकेशन फ्रॉम द सिलेक्टेड ऐप एंड सर्विस, क्लियर नोटिफिकेशन टू स्टॉप द रिमाइंडर्स। मतलब कि अगर आपको रिमाइंडर नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आपको यहाँ से इसको क्लियर कर देंगे तो आपको उसका रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि वो समझ लेगा कि आपने उसको रीड कर लिया है। तो जब तक वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा जब तक वो आपको रिमाइंड करता रहेगा। तो दोस्तों बहुत ही काम का ये फीचर है मुझे लगा, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का मैंने टारगेट रखा है लाइक का 50 का, क्योंकि कम सब्सक्राइबर हैं तो 50 बहुत है, तो आप प्लीज मेरे को सपोर्ट करें और जल्द से जल्द 50 लाइक का लाइक करें। और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू दोस्तों।